राबड़ी जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम चीनी नहीं हैं जो घुल जाएंगे, हम नमक भी नहीं हैं कि मिल जाएंगे, और हम दूध भी नहीं हैं कि पानी को देख करके अपने अस्तित्व को उसके साथ समाहित कर लेंगे। हम तेल हैं, आपने हमारे मिलावटपन को, हमारी जात को गाली दिया कि हम मिलावटी हैं। बनिया एकाग्र था, एकाग्र है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने वैश्य समाज के खिलाफ एक बयान क्या दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। राबड़ी देवी ने सीधे कहा था कि तेली समाज के जो लोग हैं वो तेल में पानी मिलाते हैं, और उसके बाद देखिए कि पटना के सड़कों पर वैश्य समाज के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आग बबूला हो गए, और उसके बाद लगातार राबड़ी देवी के खिलाफ कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। पवन जायसवाल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, राबड़ी देवी ने दिया है घोरापति जनक है, पूरे राज्य के व्यवसायी समाज के लोग आक्रोशित हैं, और राबड़ी देवी जी को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो सभी वैश्य समाज के लोग सड़क पर होंगे, आंदोलन होगा पूरे राज्य में। कल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से पुतला दहन कर रहे हैं हम लोग, सभी वैश्य समाज के संगठन इसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के खिलाफ गुस्से में है, कुछ सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और सीधे तौर पे राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोली है। सुषमा जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने? देखिए, राबड़ी देवी हमको लगता है कि जिस तरह के वो दल में है वहाँ पे इस तरह का संस्कार पैदा हो गया है कि दूसरे की जाति और धर्म पर गाली गलौज करिए और राजनीति करिए, ये इतनी विभत्स स्थिति हो गई है। राबड़ी जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम चीनी नहीं हैं जो घुल जाएंगे, हम नमक भी नहीं हैं कि मिल जाएंगे, और हम दूध भी नहीं हैं कि पानी को देख करके अपने अस्तित्व को उसके साथ समाहित कर लेंगे। हम तेल हैं, आपने हमारे मिलावटपन को, हमारी जात को गाली दिया कि हम मिलावटी हैं। बनिया एकाग्र था, एकाग्र है। कुछ लोग मिल करके उन्होंने ज़रूर मुँह पर दही जमा रखा है, दूसरे दल में बैठे हुए लोग वो समाज के हितकारी नहीं हो सकते, लेकिन इतना बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा देश के बारे में सोचा है। बनिया हमेशा देश के निर्माण के बारे में सोचा। मिलावटी कहा है आप लोग को? वही तो कहना चाहती हूँ कि जिस संस्कार और जिस दल में वो रहती हैं वहाँ पर ऐसे ही गिरावट भरे शब्दों को लेकर के उनकी आदत से बन गई है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरे के जाति धर्म को गाली बकिए और ये करिए। सुषमा साहू जी थी, जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है कि बनिया समाज के लोग जो हैं वो मिलावटी होते हैं, राबड़ी देवी ने कहा है बनिया समाज के लोग मिलावटी होते हैं। भाई साहब, देखिए ऐसी बात है कि राबड़ी देवी को मालूम होना चाहिए था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक जात के विशेष, जातीय विशेष पे जो उन्होंने मैसेज दिया, ये पूरे बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, और मैं ये जो उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। देखिए, सीधे तौर पे राबड़ी देवी का यहाँ पे वैश्य समाज के जो लोग हैं वो पुतला दहन करेंगे, और जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राबड़ी देवी माफ़ी मांगे। जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने बयान दिया था कि बनिया समाज के लोग जो हैं वो मिलावटी होते हैं, हमारे साथ देखिए कुछ और भी लोग हैं सीधे तौर पे, तमाम उनके जो वैश्य समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, लगातार राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया, और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी ने जो बयान दिया था और सीधे तौर पे कहा है कि वैश्य समाज को कहीं ना कहीं नीचा गिराने का काम राजद वाले कर रहे हैं सीधे तौर पे, और उसके बाद देखिए तमाम जो हमारे साथ वैश्य समाज के लोग हैं, देखते हैं बयान को राबड़ी देवी। देखिए, ये अपमानित करने का काम है, बिहार के वैश्य समाज, पूरे बनिया समाज को अपमानित करने का काम माननीय राबड़ी देवी जी ने किया है, और इसका हम प्रतिकार करते हैं, और पूरा बिहार में वही समाज आक्रोशित है। देखिए, सीधे तौर पे लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सीधे तौर पे, और लगातार वैश्य समाज और तेली समाज के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो हम लगातार आंदोलन करेंगे। किस प्रकार से अजय जी सड़क पे हैं आप लोग? राबड़ी देवी जी वो भूल चुके हैं बनिया समाज को अपमानित करने के साथ, 15 साल से लगातार वो अपमानित करते आ रहे हैं। वो कौन सा तेल की बात करते हैं, जो लाठी पेलान तेल
वो तेल की बात करते हैं, ये तेल पानी की बात करके राबड़ी देवी वैश्य समाज को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा में विधानसभा से यहाँ से छुट्टी देकर देने का काम करेगा वैश्य समाज। देखिए सीधे तौर पे राबड़ी देवी के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों ने गुस्सा खोल मोर्चा खोल दिया और उसके बाद राबड़ी देवी का यहाँ पुतला जलाया जा रहा और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि जब तक राबड़ी देवी माफ़ी नहीं मांगेगी हमारा आंदोलन जो है वो तेज होगा। और सीधे तौर पे आपको जो तस्वीरें हैं वो हम इनकम टैक्स गोलंबर से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जो तमाम वैश्य समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और थोड़ी देर में राबड़ी देवी का पुतला दहन किया जाएगा। राबड़ी देवी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पे देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने वैश्य समाज को लेके जो बयान दिया और सीधे तौर पे कहा है कि तेली समाज के लोग मिलावटी होते हैं, उनके इस बयान के बाद तमाम वैश्य समाज जो है वो गुस्से में है और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर उतर के राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पे कहा है कि राबड़ी देवी अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाले चुनाव में उनका भुगतान जो है भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी वैश्य समाज से माफ़ी मांगती है या ये बयान कोई और रूप लेता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।